सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाई और वर्ल्ड प्लेयर्स के साथ खेला तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, लर्निंग प्रोसेस था, और यही कोशिश है कि इसी तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेते रहूँ। जी सवाल स्टार्ट करते हैं अतीक और फिर महमूद। अभी भी आपने जो लीग के 7 मैचेस खेले उसमें रन आपने बहुत ज़्यादा दिए हैं, वर्ल्ड कप में भी अगर आप मैच देखें तो उसमें भी आपने विकेट तो आपने कभी और मिल जाते हैं लेकिन रन बहुत ज़्यादा 69 रन दिए आपने वनडे के अंदर, तो इसके लिए आप कुछ काम कर रहे हैं कि मैं रन कम दो विकेट ज़्यादा दूँ? जी कोशिश यही है, इकोनॉमिकल बॉलर बनूँ और प्रैक्टिस करते रहूँगे, इंशाल्लाह ये चीज़ भी सही हो जाएगी। आपको यहाँ कैंप लगा रहा कंडीशनिंग जहर वक्त उसमें सलीम जाफर डेविड अहम थे, आपको मौका नहीं मिला, आप बिल्कुल आएंगे और तकरीबन अब मैचेस ही खेलेंगी, तो कितना मुश्किल होगा टीम के साथ एडजस्ट करना? नहीं मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि इसी टीम के साथ ही हम लोग रहते हैं और खेलते हैं, इसी एनवायरनमेंट में ही रहते हैं और कोशिश यही होती है कि इन्हीं से ही सीखते हैं, और डेविड के साथ पहले भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो यही है कि उस प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अभी भी डेज़ हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट 4 से 5 डेज़ हैं तो उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। फातिमा आपने दुबई में टूर्नामेंट खेला, आपने खुद बोला वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ, तो खुद में और उनमें क्या डिफरेंस पाया और क्या समझती हैं, किन किन चीज़ों में यहाँ के प्लेयर्स उनसे पीछे हैं? जितना मुझे लगता है वो यही है कि फ़िटनेस हम लोग को और थोड़ी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि हम लोग फ़िटनेस करते हैं लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट लेवल है, क्योंकि वो डाइट पे ज़्यादा वो करते हैं और हमारी डाइट उस तरह नहीं होती, लेकिन यही है कि अगर हम मतलब उनके हिसाब से देखेंगे तो उनके काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं और हमारी, तो यही है कि हम उनसे चीज़ें सीख सकते हैं और हम उनसे चीज़ें सीखते हैं। एहसान और फिर रियाज भाई, मुझे तो यही है कि मैं अपनी क्रिकेट इंजॉय करूं और मुझे यही होता है कि मैं बस टीम को लेके चलूं और टीम के लिए करूं जो कुछ हो, और सीनियर्स का सीनियर्स को ज़्यादा अच्छे पता है उन्होंने क्या करना है क्या नहीं, मेरा अपना यही होता है कि मैं बस अपना परफॉर्म करूं और मैं जहां पे भी टीम को मेरी हेल्प हो मैं वहां उनको हेल्प करूं। हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हमारे जो कैंप्स लग रहे होते हैं उसमें हमारी फ़िटनेस हो रही होती है, लास्ट में भी हमने रमज़ान में भी प्रैक्टिस करी है, सारा जिम वगैरह किया है, तो यही है कि हम लोग उस लेवल तक जा सकें और उसको बीट कर सकें, हम लोग कोशिश इसी तरह करते हैं और इंशाल्लाह इसमें भी हम काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जी ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आगे कॉमनवेल्थ गेम है, फिर वर्ल्ड कप है और ऑस्ट्रेलिया से आयरलैंड से सीरीज़ है, तो यही कोशिश होगी कि वहाँ पे अच्छे प्लेयर्स होंगे उनको अच्छा टफ टाइम दें और पाकिस्तान टीम को विनिंग मोमेंट पे लेके जाएं। जी बदी अच्छा सर ना होता ये कि फास्ट बॉलर है वो अच्छा बैटर जब तक नहीं होता तो उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, क्या आपको होता है कि नेट में जहाँ बॉल किया वहाँ पर लॉन्ग हिटिंग भी करूँ ताकि जब T20 में टीम को जोत हो तो आप बैटिंग भी कर सकें? जी बिल्कुल, डेविड काफ़ी मुझे एज अ बैटर काम कर रहा है मुझ पर, और एज अ बैटर यही है कि वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि मुझे थ्रो डाउन स्पेशली कराता है कि एज एन ऑलराउंडर मैं परफॉर्म करूं टीम के लिए, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है। बस लास्ट आपने करना था चला कर ले। एक तो बाय सिक्योर बबल जो है वो ख़त्म हो गया, एक बबल लाइफ जो है वो प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होती थी और PCB ने स्टेप लिया है इसको बबल से जो है कि जो कोरोना में कमी हुई, तो खिलाड़ी कितना रिलैक्स हो, जिससे आपने डाइट्स की जो बात की है वो क्या डाइट का फ़र्क है, क्या हमारी लड़कियां बहुत ज़्यादा कोई चटपटी मसाले खट्टाई खाती हैं वो वहाँ की नहीं खाती हैं, तो फ़र्क क्या है मतलब? नहीं सबसे पहले तो डाइट पे ही बात कर लेते हैं, डाइट में ये नहीं है कि हम चटपटा खाते हैं या हम कोई बिरयानी वगैरह खाते हैं तो हमारी डाइट चेंज है, बात सिर्फ ये होती है कि हम लोग खालिस चीज़ें जो होती हैं, हम लोग वेजिटेबल्स जो खाते हैं वो खालिस नहीं होते, वो चीज़ हमें वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मतलब फ्रेश और ओरिजिनल मिलती हैं, तो वो चीज़ों का डिफरेंट है। और बायो बबल का यही है कि बायो बबल में हम लोग पहले बिल्कुल फ्रेश एयर से बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल कमरों तक रह रहे थे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी और एज अ स्पोर्ट्स वुमेन भी यही अच्छा है कि फ्रेश एयर लेते रहें और माइंड भी फ्रेश रहेगा उससे, तो अब ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है PCB की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जी सोहेल भाई मेरा ये है कि फेयर पे टूर्नामेंट हमने खेला, अवार्ड हमने, क्योंकि
जी इंशाल्लाह यही है कोशिश के आगे जो जिस तरह की लीग्स हैं उसमें सब पार्ट लूँ अपना, और क्योंकि पीसीबी को भी उससे फ़ायदा होगा क्योंकि जब पाकिस्तान की लड़कियां जाएंगी तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और यही है कि बस कोशिश यही होती है कि इसी तरह की लीग्स खेलें और उसमें पार्ट ले सकें। थैंक यू सो मच।